हेलो आप सभी को। तो सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल में हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जॉब से रिलेटेड जानकारी देता हूं, इधर उधर घूम के वीडियो बना के जानकारी देता हूं, और साथ ही साथ जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का भी कभी कभी अपलोड कर देता हूं। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा तो आपको जल्द ही अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए आज का शुरू करते हैं वीडियो। तो देख सकते हैं सेप वन में 163 पदों पर होगी नियुक्ति। कहाँ होगा चलिए बात करते हैं। तो कब से होगा? 25 सितंबर से होगा, जेप वन डोरंडा में, रांची में, ठीक है। तो जेप देख सकते हैं 25 सितंबर से होगा जेप वन में, रांची के डोरंडा में। तो सेप है क्या? तो देख सकते हैं स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस है। तो एक बार फिर से सेप वन और सेप टू में स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस वाहनी की रोसैया से लेकर सूबेदार मेजर तक की बहाली अनुबंध किए पर किए जाने को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से विज्ञापन निकाला गया है, ठीक है। टोटल कितना? 163 पद है, ठीक है। तो कब? इसमें सिर्फ देखिए कंडीशन लगा हुआ है, 2 वर्ष होने वाली या नियुक्ति साक्षात्कार के आधार पर होगी, ठीक है, 2 साल के लिए है, ठीक है। तो 25 सितंबर से जेप वन डोरंडा में होगी, और यहाँ लिखा है सिपाही से लेकर हवलदार की बहाली के लिए उम्र सीमा है, तो 35 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, सिपाही से लेकर हवलदार तक, ठीक है। तो 35 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए, जबकि JCO, सूबेदार, सूबेदार मेजर और नायब सूबेदार पद के लिए उम्र सीमा 45 से 55 वर्ष की होनी चाहिए। मतलब जो रिटायर करके हैं वो बहाली के तीनों सेना थल और जल और वायु से जो रिटायर कर गए हैं उनको मौका दिया जाएगा, ठीक है, बाकी को नहीं मौका दिया जाएगा, ऐसा कहना है ये सेप वन जो भर्ती हो रहा है सेप वन द्वारा जो भर्ती लिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही कहा जा रहा है, उम्र सीमा लिखा है, मतलब उस अगर आप 30 साल, 34 साल, 18 साल वाले नहीं भर सकते हैं। तो देख सकते हैं इच्छुक अगर आपका कोई रिश्तेदार फैमिली में कोई है तो उनको बताएं और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इच्छुक उम्मीदवार को निर्देश दिया गया है कि वे आवेदन पत्र के साथ मूल प्रमाण पत्रों की कॉपी के साथ लेकर आएँ, ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल के साथ जेरोक्स भी ले जाना है, ठीक है। साक्षात्कार और चिकित्सा की जांच में योगदान के लिए विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ठीक है, साफ साफ लिखा है। अनुबंध पर बहाल होने वाले को 1 वर्ष में 30 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा, मतलब 1 साल में 30 दिन की छुट्टी दिया जाएगा। वही सेवा के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में राज्य के पुलिसकर्मी को जो अनुग्रह अनुदान दिया था वह उन्हें भी मिलेगा, ठीक है। सब कुछ नियम कानून वही है, लेकिन 1 साल में 30 दिन छुट्टी मिलेगा, लेकिन इनके आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिलेगी। अगर कुछ हो जाता है तो नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो देख सकते हैं कौन पदों पर कितना है सीट और कितना महीना मिलेगा। सूबेदार मेजर के लिए 1 है, 25,000 मिलेगा। सूबेदार सामान्य के लिए 2 है, 25,000 मिलेगा। आप उसी तरह देख सकते हैं नीचे, सबसे ज़्यादा सिपाही सामान्य के लिए 109, ठीक है, 20,000 मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार फैमिली में कोई है जान पहचान, उन्हें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो शेयर करके बताइएगा। और साथ में अगर आप मेरे चैनल में हैं, नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ घंटा भी दबाइएगा, ALL लिखा होगा उसको दबाइएगा, नोटिफिकेशन वाला घंटा, ठीक है, तभी मेरी वीडियो आप तक पहुंच पाएगा सही समय पे। तो चलिए मिलते हैं आगे, थैंक यू।